न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर सिवरी नारायण से, जहां जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी सिवरी नारायण में आज पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, जिला, ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस एवं विभिन्न संगठन के पंचायत प्रतिनिधि, मंडी सोसाइटी सहित वरिष्ठ नेताओं में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, राम कुमार यादव, विधायक चंद्रपुर राम कुमार पटेल, अध्यक्ष सांक भरी बोर्ड राजश्री महंत, राम सुंदर दास, पामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष नवल सिंह ठाकुर, नवागढ़ ब्लॉक अध्यक्ष शत्रुधन दास महंत, शिवरी नारायण नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी और सबसे लोकप्रिय स्थानीय प्रत्याशी सरोज सारथी, हरदेव चौहान, युवा प्रत्याशी देव खोटेल सहित और अनेक प्रत्याशी की उपस्थिति में संकल्प शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के 214 पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता आए थे। साथ ही सरपंच, जनपद सदस्य, मंडी सदस्य, सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष, एल्डरमैन, पार्षदगण सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रही। डॉक्टर चरणदास महंत ने कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में और पामगढ़ में कांग्रेस को जिताने का संकल्प ले। ये बहुत अच्छा है कांग्रेस परिवार के लिए। हमारा पूरा छत्तीसगढ़ में संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है हर विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे और पूरे मंत्रिमंडलगण सभी विधानसभा में जा रहे हैं। उसी परिवेश में दो दिन तक हमारा 12 और 13, 12 को हमारा शक्ति जांजगीर अकलतरा और आज 13 को हमारे चंद्रपुर, जय जयपुर और पामगढ़ में था। हमारे क्षेत्रीय विधायक, इस क्षेत्र के जाने माने हस्ती चरणदास महंत जी उपस्थित थे और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष नवनीत दीपक बैज जी और हमारे पालक मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी और सभी निगम मंडल और जो जो हमारे प्रवक्ता थे वो भी आए थे, राजन तिवारी जी, अटल श्रीवास्तव जी। संकल्प शिविर से निश्चित रूप से कांग्रेस में ऊर्जा आ रही है और सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं को लोगों को बताना पड़ रहा है और जो लाभ ले लिए हैं वो नहीं जान रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको अपन बता रहे हैं सरकार की योजनाओं को। निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े कहना चाहिए एक संकल्प जिस प्रकार से लेते हैं तो संकल्प के साथ साथ एक निष्ठा और कर्मठ कार्यकर्ता उभर के आ रहे हैं। जैसे आज संकल्प शिविर में हमारे मेला ग्राउंड श्रीनायन में हुआ, उसमें हमारे बूथ, सेक्टर, जोन और जो हम लोग पर्ची बंटवाते हैं बाहर में, उन्हीं को सिर्फ कार्यकर्ताओं को हम लोग लेके आए थे। तो निश्चित रूप से भीड़ आप देखे हैं, उत्साह है हमारे सभी कार्यकर्ताओं में। निश्चित रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना जो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पूरे मंत्रिमंडल देख रहे हैं, निश्चित रूप से हम सफलता की ओर जा रहे हैं। विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर में हमारे संपूर्ण जितने बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के सब पधारे थे और हमने पूरा कार्यकर्ता बूथ लेवल से और सेक्टर और जोन से हमारे पूरे कार्यकर्ता तैनात हैं और सब संकल्प लिए हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी और पंजा छाप को जिताना है और हमारी विधायक यहाँ से बनाना है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनाना है। यही अभी हम पूरा कार्यकर्ता सुनिश्चित किए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी। जी मैंने बताया ना कि प्रत्याशियों के चयन समिति का काम चल रहा है, कल भी बैठक होगी रायपुर में, अभी बैठकें हमारी हो चुकी हैं, उसमें चयन किया जा रहा है, पैनल भी बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ समय के अनुसार कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी और जल्दी जल्दी मुझे लगता है कि 20-25 तारीख के बीच में एक आध सूची आने की संभावना है, क्योंकि मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता उसको, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि अभी आपका पार्लियामेंट भी लग रही है, आपको मालूम है, तो अभी बहुत लोग, पूरी देश की सभी पार्टियाँ संशय में हैं कि क्या अभी जो तानाशाही चलेगी कि क्या चलेगा, अभी देख लेते हैं उसको। से पामगढ़ विधानसभा में पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधन किए। आगामी विधानसभा चुनाव है 2023, पामगढ़ में भी अब कांग्रेस का विधायक बनाना है और छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाना है। इस बार पामगढ़ से हाथी चला जाएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी?
इस समय पामगढ़ से हाथी चला जाएगा या पंजा चाप आएगा। पामगढ़ विधानसभा संकल्प शिविर में हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित थे और ऐतिहासिक और जोरदार और बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग पामगढ़ विधानसभा को जीतेंगे और जो हाथी है उनको निश्चित रूप से यहाँ से भगाएंगे। क्या पामगढ़ में इस बार कांग्रेस? निश्चित रूप से कांग्रेस का ही सरकार आएगा, छत्तीसगढ़ में सरकार ही बनाएंगे और पामगढ़ विधानसभा में निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे, चाहे किसी को भी टिकट मिले। पामगढ़ विधानसभा में चुनाव जीत ही बताएंगे। और अभी हम लोग जो आज का जो भीड़, अपार जो भीड़ है, वो भीड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नृत्य में जोन सेक्टर बूथ के ही लोग चढ़ बढ़ के भाग लिए हैं और यहाँ सभी जोन अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष सभी की उपस्थिति में अपार सफल कार्यक्रम हुआ है।